अगर ये सोना है जो गोल्ड मिश्री की कारोबार लोग करते हैं, गोल्ड मिश्री की फार्मिंग करते हैं, उनके लिए ये सोना है। एक दफ़ा इसको आप डाल के देखें, ज़्यादा ना लें, पाँच के गोल्ड मिश्री एक साइड पर रख लें, आस्ट्रेला पाँच एक साइड पर रख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा प्रोडक्शन का। बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ ना लें, लेने 100 ले लें। अगर इसका मुआयना आपने करना है तो आप 100 ले लें, 100 गोल्ड मिश्री। अगर कुछ लोग पालते थे वो 100 आस्ट्रेला ले कर चेक करें, पाल के चेक करें, वेट इसका चेक करें और अंडे देने की प्रोडक्शन माशाल्लाह, और साइज़ वेट बहुत अच्छा है इसका। देखें बच्चा बिल्कुल प्योरिटी गारंटी होगी, वेट अच्छा होगा माशाल्लाह, अपनी ही हमने मशीन में उसको निकाला होगा बच्चा। हम मार्केट में रेट चल रहा है 80 से 70 रुपये, तो इंशाल्लाह अगर हमसे कोई रابطہ करेगा, अच्छी क्वांटिटी में लेगा, उसको इंशाल्लाह हम और भी कम कर देंगे। अंडा 40 से 35 के दरमियान 30 तक चल रहा है, अगर हम हमसे लेगा तो हम इंशाल्लाह कम करेंगे। आज से दो मंथ पहले 600 से 500 रुपये तक ब्लैलर आपने देखा भी है, खाया भी है, ठीक है। अब ब्लैलर 180 रुपये पे आ गया है, यही वक्त, ठीक है। अगर आपने फ्री रेंज पे देना है वो ये है कि आपकी ही, उसमें टोटली बचत आपकी है, खर्चा कम है, प्रोडक्शन इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा तो ये भाई बताइएगा, आजकल आप काफी ट्रेंडिंग में थी, बिल्कुल आजकल आपकी आस्ट्रोलैब को क्या हो गया है कि आप अभी भी आस्ट्रोलैब रख रहे हैं, लोगों का इससे दिल क्यों अग गया कि लोग देखें। सबसे पहली बात यह है कि आस्ट्रोलैब एक गांव में एक बंदे ने रखी थी, जो आने वाला दौर है उसमें 10 बंदे रखेंगे, 20-50 बंदे रखने वाले हैं। आस्ट्रोलैब का दौर अभी शुरू ही नहीं हुआ, ये इंशाल्लाह आने वाला जो ये मंथ है इसमें आस्ट्रोलैब इतनी तेज़ी से स्टार्ट होगा, जो कि फ्यूचर में जो प्लान है लोगों के, वो बड़े पैमाने पर फार्म लोग बना रहे हैं, बड़े पैमाने पर इसको लेकर जाएंगे। तो ये भाई बताइएगा, जो छोटे फार्मर थे आस्ट्रोलैब शुरू की, अब वो सारे के सारे आस्ट्रोलैब से तंग आ गए हैं, इसका इसकी क्या रीज़न है? सर छोटे फार्मर की आपने बात की, छोटा फार्मर वो ही है जो कि जिसको किसी भी किस्म की नॉलेज नहीं है, आस्ट्रोलैब के हवाले से नहीं, गोल्ड मिश्री के हवाले से भी नहीं है, ठीक है। वो उसने बच्चा लिया, अंडा लिया, इंक्यूबेटर लिया, 2-3 महीने तो बिल्कुल नया बंदा हो ना, अगर गाइडलाइंस उसको ना मिले 2-3 महीने बिल्कुल वो फ्लाप हो जाता है। अगर वो उसको गाइड करने वाला कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो फिर वो कामयाब होता है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो नए आए हैं इस फील्ड में और जिनको इलम बहुत ही कम है कि मुर्गी को पालना किस तरह है। सर बताइएगा कि आस्ट्रोलैब एक ऐसी ब्रीड थी जिसने काफ़ी सारे लोगों को पोल्ट्री की तरफ मुतवज्जो किया, तो आस्ट्रोलैब का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? जी आस्ट्रोलैब का बहुत ही बड़ा बिजनेस हुआ पाकिस्तान में, बहुत ही लोगों को इसने रोज़गार दिया है। पहले लोग 100 चिक्स लेते थे, 200 चिक्स लेते थे, जो नए भाई हमारे इस फील्ड में आते थे वो एक मंथ करके दो मंथ करके वो सेल कर देते थे, जो कि वो कुछ गर्मी के हवाले से, गर्मी की वजह से और कुछ बीमारी जो वायरल बीमारी आई है उनकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। अब उन्होंने काम वो कम कर दिया है, इंशाल्लाह आने वाला जो मंथ है वो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त है पोल्ट्री के हवाले से, वो किसी भी किस्म की हो, वो फैंसी हो, आस्ट्रोलैब हो, कोई भी ब्रीड हो मुर्गी की, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पैमाने से जो है दोबारा इसकी मार्केट स्टार्ट हो रही है। तो ये भाई बताइएगा कि आस्ट्रोलैब जो है, सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि आजकल सेल नहीं हो रही, तो कैसे सेल करें इसे? सर देखें कि ये अच्छा है कि आप एक गांव में एक बंदे रखिए, वो अच्छा है कि हर बंदा इसे ले, हर गरीब के हाथ में भी हो। हम तो पहले भी ये चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके कमर्शियल लेवल पे आज लोग बड़े पैमाने पे इसे करें, हर बंदा इसकी फार्मिंग करे और बंदा ट्रेंड को देख के ना करे, इसको फ्यूचर में लेके आए कि गोल्ड मिश्री के हवाले से इसको देखे। गोल्ड मिश्री की मुर्गी की अगर आप फीमेल की आप बात करते हैं, वो 1100-1300 ग्राम की होती है हाथ, जिसमें आधा किलो गोश्त भी निकलता है, इसमें से तकरीबन 1 kg से प्लस गोश्त फीमेल से निकलता है जो अंडे दे के फारग हो जाती है। अगर आप मेल की बात करें तो मेल जो गोल्ड मिश्री का होता है वो हद 1-1.5 kg हो जाता है कमर्शियल फीड पे, वो भी 1 साल बाद, इसका 3 महीने में कमर्शियल। अच्छा तो ये भाई 50 का अंडा सेल हो रहा था, इसका 100 से प्लस इसका बच्चा सेल हो रहा था डे ओल्ड, आजकल क्या चल रहा है इसके बच्चे का रेट और इसके अंडे का रेट? जिस तरह आपने देखा ना कि फार्मिंग इसकी थोड़ी सी डाउन हुई है, पर ये कि छोटे फार्मर बहुत कम है, पर ये लोगों ने स्टार्ट किया बहुत बड़े पैमाने पे, हज़ारों के पैमाने पे ये चली गई है। और अगर इसकी बात करें इसके बच्चे की कीमत, वो तकरीबन 80 से 70 रुपये में अभी भी चल रहा है, और अंडा तकरीबन 40 रुपये से
35 के 30 के दरमियान पर वो प्योरिटी की होती है। अगर उससे नीचे भी कुछ एड्स वगैरह हमें ग्रुप्स में फेसबुक ग्रुप्स में कुछ चैनल वाले दे रहे हैं और उसकी वो गारंटी उस हिसाब से वो बंदा ले, ठीक है, क्योंकि 20 रुपये का अंडा कहीं भी नहीं, आस्ट्रल आपका प्योर आस्ट्रल आपका अंडा कहीं भी नहीं सेल हो रहा। तो ये भाई बड़े सारे लोग परेशान हैं कि आस्ट्रल आप अगर जिनके पास मौजूद हैं वो बच्चा नहीं सेल कर पा रहे तो वो कैसे सेल करें, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखें जो लोग जिन लोगों से ये बच्चा इसका सेल नहीं हो रहा वो ये करें कि थोड़ी सी कोशिश करें इसको पालें, इसको थोड़ा बड़ा करके फिर मार्केट में लेके आएँ। बच्चे जिस तरह मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे 1 डे ओल्ड के भी कस्टमर कम है और 1 मंथ का भी कस्टमर कम है, जिसकी वजह से जो नए लोग इस तरफ आ रहे थे वो नहीं आ रहे अभी, ठीक है, क्योंकि लोग इसको बड़े पैमाने पे लेके जा रहे हैं। जब आप लोगों को एक रेट देंगे ना, अच्छा मुर्गा होगा उसका वेट, उसके वेट का रेट देंगे, एग वाली मुर्गी होगी उसका रेट देंगे, तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फिर एक बिज़नेस, क्योंकि आने वाला जो 1 मंथ है तकरीबन इसमें हिल, अब जो ना इस बारिशों का देखने आपने मौसम, 2-3 बारिशें इस मंथ में हो गई हैं, आस्ट्रल आप की जो मार्केट तकरीबन जो ना कि 40% 30-40% हम कह रहे हैं दोबारा ये हिली है, तो आने वाला जो मंथ है तकरीबन इसकी मार्केट उस हिसाब से तो नहीं, पर ये है कि जो जिनके पास बच्चा नहीं सेल हो रहा अंडा नहीं सेल हो रहा वो अंडा सेल हो जाएगा, क्योंकि नए फार्मर इसमें कम, जो नए फार्मर हैं वो कम आ रहे हैं, पर बड़े फार्मर वो थोड़े तो आ रहे हैं, ठीक है, पर बहुत बड़े पैमाने पे वो इसको कर रहे हैं, क्योंकि हर बस में नहीं है 1,000, 2,000, 3,000 चिक्स देना। हाँ वो ब्रोकर ही होगा जो आगे पीछे से पकड़ के वो दे देगा, क्योंकि हर अभी तक हर बंदे ने इसको 100-200 मुर्गी पे ही इसको मिहित रखा है अभी। तो ये भाई बताइएगा 50 का अंडा डायरेक्ट कीमत नीचे आ गई, 100 से ऊपर 120-130 का बच्चा कीमत नीचे आ गई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वही है गर्मी, ठीक है, गर्मी में पोल्ट्री टोटली कोई भी है फ्लाप नहीं होती, पर ये है कि थोड़ी सी डाउन हो जाती है। देखें आज से दो मंथ से पहले 600 से 500 रुपये तक ब्लैलर आपने देखा भी है, खाया भी है, ठीक है, अब ब्लैलर 180 रुपये पे आ गया है। यही वजह है, गर्मी है और थोड़ा सा मौसम है, हबस वाला मौसम है, गर्मी है, जिसकी वजह से फार्मिंग अभी नए लोग जो इसमें आते हैं वो नहीं आ रहे, जो आने वाला मंथ है वो उसका वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह नए फार्मर आने वाले मंथ में दोबारा इसकी जो है कि सेल को इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। बताइएगा कि आस्ट्रल आप जो है ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये मुर्गी फ्री रेंज में बेहतर रहती है, इसमें कितनी हकीकत है? सर मुर्गी कोई भी है उसको जिस तरह का माहौल देंगे ना वो उस तरह का माहौल जो ना कि कबूल करेगी, ठीक है, अगर आपने फ्री रेंज पे देना है वो ये है कि आपकी ही उसमें टोटली बचत आपकी है, खर्चा कम है, प्रोडक्शन इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ जाती है, मुर्गी की सेहत अच्छी होती है, मुर्गी की लाइफ बढ़ जाती है। फार्म के अंदर रहती है मुर्गी तो उसमें आपको बहुत मेडिसिन चलानी पड़ती हैं, मसले मसाइल आ जाते हैं, पर उसको भी अगर मैनेज करें तो वो भी मुश्किल काम नहीं है और मुर्गी भी ठीक रहती है। तो ये भाई बताइएगा कि जो लोग पोल्ट्री का काम करना चाहते हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि किन दिनों में काम स्टार्ट करें? सबसे पहली बात ये है कि जो नए लोग हैं जिन्हें इलम इस नॉलेज बिल्कुल नहीं है वो आने वाला जो मंथ है उसमें अगस्त सितंबर में अक्टूबर तक स्टार्ट करें, फिर सर्दी है फिर चाहे स्टॉप कर दें, अगर संभाल सकते हैं तो फिर आप कर लें। उसके बाद मार्च फरवरी मार्च में अप्रैल में माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका मई तक मौसम होता है नए फार्मर के लिए। अच्छा लास्ट में बताइएगा कि अभी जो नया बंदा स्टार्ट करे वो डे ओल्ड चिक्स ले या कि बड़े चूजे ले ले? अगर वो नॉलेज की बात है, अगर वो संभाल सकता है तो ले ले, अगर कोई नई नॉलेज नहीं है, अगर कोई गाइड करने वाला है तब भी ले ले, वो गाइडेंस लेके उसको पाल सकता है, इसमें मुश्किल काम नहीं है। अगर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है किसी बंदे की, बस उसने खरीद के अपने घर पर रखने हैं, फिर वो कम से कम 15 दिन 10 दिन 1 मंथ का ले। ठीक है, तैयब भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।